जयपुर के आमेर में आकाशीय बिजली गिरने से 16 की मौत, कई घायल। जयपुर के आमेर में मावठा के अपोजिट साइड पहाड़ी के ऊपर आकाशीय बिजली गिरने से 3 की मौत हो गई है, कई गंभीर घायल हो गए हैं। घायलों को एम्बुलेंस की मदद से अस्पताल पहुंचाया गया है। इस घटना के बाद पहले पुलिस और SDRF की टीम ने रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया है। मौके पर रेस्क्यू टीम तेजी से लोगों को नीचे उतारने के प्रयास में लगी है। वहीं जिन्हें नीचे लाया जा चुका है उन्हें एम्बुलेंस की मदद से SMS अस्पताल पहुंचाया जा रहा है। कुछ को होश भी आ गया है लेकिन कई अभी भी अचेत है। फिलहाल अभी मृतकों की पहचान नहीं हो पाई है। जानकारी मिलने पर ACP आमिर सौरभ तिवारी मौके पर पहुंचे। पुलिस का भारी जाब्ता तैनात किया गया। मुख्य सचेतक डॉक्टर महेश जोशी, विधायक अमीन कागजी SMS ट्रॉमा सेंटर पहुंचकर घायलों की जानकारी ले रहे हैं। वहीं भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने जयपुर कलेक्टर से बात कर मामले की जानकारी ली है। अभी कई घायलों को अस्पताल लाने का क्रम लगातार जारी है। घायलों को लाया गया SMS ट्रॉमा सेंटर। अब तक 35 लोगों के घायलों की जानकारी होने की सामने आई है। इन्हें SMS अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर पर लाया गया है। इन घायलों की सूची भी सामने आ गई है। सूची के अनुसार अमन पुत्र उमर दराज, रहयान पुत्र सलीम, अब्दुल पुत्र रहीम, सोयल पुत्र मुन्ना भाई, फैज पुत्र अलीम, शरीफ पुत्र नाजीर हुसैन, इरजाद अली पुत्र हरलाद अली, समीर पुत्र यासीन, इस्तेहा अली पुत्र इशाद अली, मोहम्मद शाहिद खान पुत्र मोहम्मद यूसुफ, साहिल पुत्र सलीम, सोयल आरिफ, शाहबदाब पुत्र यूनुस, सीनू पुत्र शाकिर, निर्मल महावर पुत्र सीताराम, आरिफ पुत्र कुतुबुद्दीन, विश्वजीत, शिवानी शर्मा पुत्री गुरुबचन लाल शर्मा, अमित शर्मा पुत्र गुरुबचन लाल अमन हादसे में प्रभावित हुए हैं।